के मधेपुरा कोर्ट से दरभंगा डीएमसीएच पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिला करके बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। मुन्ना खान दरभंगा जिला अध्यक्ष ने भावुक होते हुए कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बेकसूर 5 महीने से जेल में बंद थे और हम लोगों को इतनी पीड़ा हो रही थी, उसको लेकर के आज न्यायालय के द्वारा इंसाफ हम लोगों को मिला है। साथ ही जिला महासचिव पिंटू खान ने क्या कुछ कहा वह भी सुनिए। साथ में पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में अपनी रिहाई के बाद सरकार के प्रति और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। उससे कहता रहा हूँ कि सभी लोग रिहाई पे थे, हम सरकार का ही तो काम कर रहे थे, सरकार को बता रहे थे कहाँ कमजोरी है, सरकार की गलतियों को हम दिखा रहे थे, उन्हें सीखना चाहिए। सरकार के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री जब आम आदमी की जरूरत के साथ खड़ा नहीं होगा, बिहार कोलैप्स की ओर जाए, हालात अच्छे नहीं, ऑक्सीजन ना मिले, रेमडेसिविर लाखों रुपए में, एक भी चीज अस्पताल में डेक्सोना से लेकर के छोटी छोटी दवाइयों की किल्लत हो जाए, पूरा एम्बुलेंस माफिया लूट रहा, ड्रग्स माफिया लूट रहा, और हम शमशान अस्पताल जाकर के लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहे, हम करते क्या? हमारा एक प्रयास था मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। राजनीति तो हमें आती नहीं, एक सेवा, एक रास्ता है सेवा का, दूसरा रास्ता है संघर्ष का, यही दो पथ है ना। अब मुझे समझ में नहीं आता है आखिर केंद्र सरकार को इतनी पीड़ा क्यों हुई, इतना दर्द क्यों हुआ? हम लगातार समाज के लिए काम कर रहे थे, उसके पहले कोरोना में, शेल्टर हाउस में, चिमकी बुखार में, पटना बाढ़ में, अन्य घटनाओं में समाज के भीतर थे, राजनीतिक गतिविधि में थे, फिर तब सरकार की नींद क्यों नहीं टूटी? जब हम सरकार के फेल्योर को दिखा रहे थे, सरकार कंप्लीट कोलैप्स करती जा रही थी, सरकार की के पदाधिकारी, उसका मंत्रिमंडल, तब एक साजिश रच दी गई, और एक ऐसे केस में जो केस को मैं जानता तक नहीं था, मतलब नहीं था, कितना मेंटल टॉर्चर हुए हैं दरभंगा में, कितना हम नर्क से बदतर हैं, शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, सेवा करने से दूर रखा गया, का है? आम आदमी की आवाज क्या लोकतंत्र में? क्या आप अंग्रेजों के दत्तक पुत्र हैं? क्या अंग्रेजों के दलाल बनकर के आप काम करते? कहीं किसानों पर गोली चलाओ, कहीं नफरत पैदा करो, असम को वर्ग संघर्ष में डाल दो, असम मणिपुर को बांट दो, कहीं गाड़ी चढ़ा दो, और अभी तक सरकार मस्त है? केंद्र सरकार क्यों मस्त, ये जानना चाहते। आपने साजिश रचने की बात कही, आपको क्या लगता है किसके द्वारा साजिश रची गई? भैया मेरे एक लोग हो तब तो साजिश की बात की जाए, ऊपर से नीचा ड्रग्स माफिया है, एम्बुलेंस माफिया है, जो बड़े बड़े छोटे छोटे नर्सिंग होम खोल के लूट रहे हैं उनकी बात आप करिए, और उसमें जिनका शेयर बटा हुआ है, पदाधिकारी है, मंत्रिमंडल है, ऊपर से नीचे जिसकी लोगों के भीतर कंप्लीट रूप से धुर्ची हो रही थी, सभी लोगों ने एक बड़ा साजिश रचा 5 महीना। आज आप क्या कहेंगे, आज हम आज रिहा हो चुके, तो ये 5 महीना गोल्डन टाइम हमको मेरा कौन लौटाएगा? सांप से, भूख से, बाढ़ से जो लोग मरे, और लोगों विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, गायब है, तो क्या होगा? तो सर आपके कहने का मतलब यह हुआ कि अब इस देश को, इस राज को माफिया लोग चला रहे हैं। भैया अब उस पे मैं नहीं जाऊंगा, अभी जो आप हमारा सवाल पूछ रहे हैं, व्यवस्था कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है, अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गया, रोजगार नहीं है, डेमोक्रेसी को खत्म करने और संविधान जैसी चीजों को रौंदने की चीजें में लगी हुई है, राजनीति और सियासत सत्ता से अलग। आप ना तो महंगाई की बात करते हैं,
ना तो किसानों की बात करते हैं, ना तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, ना युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। आप करते क्या? आप हमको भी तो बताइए। सिर्फ नफरत, सिर्फ जाति। राजनीति फिर आ गई, दो बार यहां राजनीति होगी, पॉलिटिक्स, विधायक विधानसभा में फिर कोई मतलब नहीं। कुशेश्वर स्थान भाड़ में चल जाए, कुशेश्वर स्थान में सांप में लोग मर जाए, कुशेश्वर स्थान का निदान नहीं हो, बस जाति के आधार पर वोट मिलना। लोग आएंगे नहीं, बाढ़ आएंगे तो नहीं होगा, आएंगे लोग हालात बुरे होंगे तो नहीं आएंगे, जब सड़क पर लड़नों की बारी आएगी तो बाहर चला जाएगा, लोग गायब हो जाएंगे। तो आम आदमी के जरूरत और उसकी सेवा के लिए राजनीति और राजनेता होते हैं ना, कि लोगों के धर्म मजहब और जाति के आधार पर नफरत पैदा करने से, राज को बांटने, समाज को बांटने, संघीय व्यवस्था को समाप्त कर देने। आज कहीं प्रियंका जी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं पर अखिलेश जी को, कहीं रावण जी को, कहीं चौधरी जी को, कहीं मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं। आप जिस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए उसको आप कर नहीं रहे हैं, जिसको बर्खास्त करना चाहिए आप कर नहीं रहे हैं, जिसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए आप कर नहीं रहे हैं, कहीं आवाज बंद कर देना है जबरदस्ती किसी केस में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सत्य की जीत है और हमारी जो न्याय व्यवस्था है, आज भी बहुत ऐसे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं जिसके चलते हमारी लोकतंत्र और संविधान आज बची हुई है। इस आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।